हेलो फ्रेंड्स, किचन ऐसा समझ आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी के लिए मैं साबूदाना था जिसे आधे घंटे के लिए सूख किया, जो वन टोमेटो, नींबू, मूंगफली, आलू और जी गैस ऑन करके मैंने घी डाल दिया था। घी गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे आलू। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। और साबूदाने की खिचड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये सब फास्ट में भी खा सकते हैं और बिना फास्ट में भी खा सकते हैं। हमारे जो आलू है वो फ्राई हो गए, अब इन्हें निकालेंगे। फिर जो आलू निकाल लिए हैं, अब डालेंगे इसमें जीरा। घी गर्म होने पर थोड़ी सी हल्दी, फिर इसमें डालेंगे टमाटर, काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट एज फॉर टेस्ट, डालेंगे इसमें साबुदाना। अब डालेंगे इसमें लेमन का रस, आलू, रेडी हो गई फ्रेंड्स हमारी साबुदाने की खिचड़ी। फ्रेंड्स ये सर्विंग के लिए तैयार है हमारी साबुदाने की खिचड़ी।